Hi everyone, my name is Pragya and in this video I'll just share my views, my thoughts that why I decided to join LIC as an ADO. तो beginning करते हैं, February में इसकी notification आ गई थी and my mind was prepared that if I am writing any paper, I'll try my 200% to clear that paper. तो वही वाह, मैंने LIC WO की paper भी भरी थी और LIC ADO की भी पेपर भरी थी. ठीक है, मैंने दोनों ही पेपर लिखा था और मैंने जो इसका वो दिया था सेंटर कि कहाँ मुझे जॉब चाहिए, वो मैंने मुंबई डिवीज़न चूज़ किया था और उसके अंदर मैंने अर्बन वाला टिक किया था. ठीक है, तो क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हमारी फरवरी में हमने फिल विल कर दिया था, उसके बाद हमारा पेपर था आई थिंक डेढ़ मंथ बाद हमारी प्री हुई थी. तो मैंने प्री दिया था. प्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही सही बताऊँ एक बात आपको, इट वॉज़ प्रिटी ईजी, इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी टू क्रैक दैट. इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्यू थिंग हैपेंड. और वो पेपर आई भी भारी नहीं थी, मैं सही से बता रही हूँ आपको. प्री का पेपर बहुत ही ईजी था, इट वॉज़ लाइक अ केक वॉक, मैं बोल सकती हूँ बहुत ईजी पेपर था. बट द गेम चेंजर वॉज मीन्स. मेंस के लिए भी मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करी थी क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे था कि मुझे जॉब चाहिए. मैं बहुत परेशान हो गई थी एक टाइम पे. आई जस्ट वांटेड अ जॉब, आई जस्ट वांटेड टू स्टेप आउट फ्रॉम माय होम, आई जस्ट वांटेड टू फील कॉन्फिडेंट, आई जस्ट वांटेड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट्स. दैट वॉज माई ओनली डिटर्मिनेशन. बिकॉज ऑफ दैट आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट पेपर और मैंने बहुत ही मेहनत करी थी उस मेंस के लिए, बहुत मेहनत करी थी. और उसका मेंस अगर हम कंपेयर करें ना, तो ऐसा बोला जा रहा था कि जो WO की मेंस थी उस हिसाब से बढ़िया आई थी क्योंकि हमारी जो रीजनिंग आई थी ADO की दैट वाज टॉप लेवल, बहुत 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 ही अच्छा लेवल था उसका. तो मेन मेरा जो स्ट्रेंथ बना था मेरी पेपर में ही, डेट वॉज द करेंट अफेयर्स सेक्शन एंड स्पेशली द इंश्योरेंस वाला. मैथ्स सबकी ही नॉर्मल गई थी, जैसे मेरी गई वैसे दूसरे लोगों की ही गई थी. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे एंड देन आई गॉट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस which I had gone through because of that paper. You are confident in your head कि नहीं इतना तो मेरे marks आ जाएंगे. तो I was pretty sure कि ठीक है मेरे reasoning सबसे पहले मेरा इंश्योरेंस वाला सेक्शन बहुत ही बढ़िया गया. तो आई वॉज श्योर कि ठीक है ये सेक्शन तो अच्छा गया. वो सेक्शन करने के बाद आई वेंट थ्रू इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया गई थी. मुझे याद है बहुत बढ़िया थी, मुझे नंबर्स तो नहीं पता मेरे, बट हाँ ये इंग्लिश बहुत बढ़िया गई थी. और उसके बाद मैंने मैथ्स बनाया था और लास्ट के लिए मैंने छोड़ा था रीजनिंग. बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग में कंपेयर करें तो मेरी रीजनिंग ज़्यादा अच्छी थी. मैं तो इसको तो मैं लास्ट में ही करूँगी. तो जल्दी जल्दी में फिर मैंने वो सॉल्व किया था मैथ्स. मैथ मुझे याद ही नहीं मैंने कितने, मैंने बहुत टाइम हो गया एक्चुअली. तो ऐसे ऐसे मेरा पेपर का सफ़र रहा और जिस दिन रिजल्ट आया था, इट वॉज़ एक्सपेक्टेड कि वो सुबह में आएगा, बट होते होते 11:30 बजे के करीब वो रिजल्ट आया था. एंड माई फादर टोल्ड मी दैट आई गॉट सेलेक्टेड. आई वॉज प्रीटी हैप्पी. अब मैं खुश थी बिकॉज मेरी पहली जॉब थी वो, और पहली जॉब की खुशी अलग होती है. तो घर में सभी खुश थे, मैं भी खुश थी. ठीक है, बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी थिंकिंग दैट वाई आई चोज दिस कैटेगरी का जॉब. आई टोल्ड यू दैट एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई वॉज जस्ट वर्किंग ओनली हाफ हार्ड. I was working very hard but still I was not getting any results. So at that point of time it was, you know, मुझे बहुत ही frustration होता. मुझे पता था कि I deserve much better things but हो नहीं रही थी ना much better things. That was the catch. बट फिर लकीली LIC ADO की पहली आ गई, फरवरी में आ गई. तो मैंने दिया, अभी सब कुछ हो गया. तो फिर अभी तो मैंने RRB के papers भी नहीं दिए हैं, ये सीन है मेरा. बट अभी जैसे कि IBPS क्लर्क की भी पेपर लाइंड अप है, अगर आपने वो पेपर भरा है और IBPS PO के भरा है, तो अभी गाइडली के मॉक टेस्ट पे बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है. 110 वाला जो मॉक टेस्ट है अभी, उसके ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है, तो वो उसको भी आप कम कर सकते हो. दैट इज़ प्रज्ञा 12 लगाओगे आप तो आपको उसमें ऑफ करके वो 97 में पड़ जाएगा. इट इज़ अप टू यू कि आपको वो कोड लगाना है कि नहीं लगाना है. अल्टीमेटली फ़ायदा आपका होना चाहिए, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. अभी भी मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, तो उसमें गाइडली के जो मॉक टेस्ट थे स्पेशली RRBO को लेकर के,
बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आपको बताऊँ, इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी. तो यार लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो. तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई जस्ट रियली नीडेड अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, आई जॉइन इट विदाउट थिंकिंग मच कि ओ शिट कितनी डिफिकल्टीज आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा. एंड यू नो आफ्टर गेटिंग 1 month का ट्रेनिंग फ्रॉम LIC, आई एम रियली ग्रेटफुल. आई कांट इवन टेल यू हाउ नाइस दिस जॉब इज. We say often things that oh this job is very hectic, this job true. I saw so many big personalities here who are working very very hard. You just have to work just for 6 months or one year approximately, and after that you live like a queen, you will live like a king. This is that kind of job, and it will give you your reality. I'm telling you, it will give you the kind of life which you deserve. I really respect my job. I am telling you, I am very grateful that I joined LIC as an ADO. And when I saw the career path, when I saw the opportunities, when I saw the growth ladder, and I was surprised actually, and I am still surprised that in so much less time how much we can achieve. So this is the thing that I really respect whatever I have. मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, अभी आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी ठीक है, मुझे पता है कि मेरी जॉब क्या है, मुझे पता है वॉट आई हैव टू डू. बट वही होता है ना, अब चैलेंजेस नेवर एंड. अभी जिसके पास जॉब है वो भी परेशान है, जिसके पास जॉब नहीं है वो भी परेशान है. तो क्यों ना मैं जो मुझे मिला है वो उसको मैं ग्रैब करती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. बस दिस इज इट. यही था मेरा सिंपल से थिंकिंग, वही थी मेरी स्ट्रेट से थिंकिंग थी. मैंने सोचा ही नहीं ना, मैंने कुछ डिस्कस किया ज़्यादा पापा से भी, था हम लेगी है ज्वाइन करनी है, दैट्स इट. आई होप दैट दिस मेक सम सेंस एंड आई एडेड सम एसेंस थ्रू दिस वीडियो टू यू. This is it, and thank you so much for watching my video. If you liked it, do subscribe to my channel, and bye.